हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अनिशा मेकओवर। तो आज मैं आपके साथ आ गई हूँ बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक लेकर, स्पेशली फॉर रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में हर कोई ऐसे ही नॉर्मल सा लुक रखना पसंद करता है। बस ज़्यादातर हम लोग तो बस एक इंडियन वेयर कुर्ती सूट वगैरह वेयर कर लेते हैं, बस एक नॉर्मल सा इयररिंग्स और एकदम सटल सा लुक। लेकिन इसमें फिर भी मैंने थोड़ा सा आई मेकअप कर लिया। हम लोग तो वो भी नहीं करते हैं, बहुत ही सटल सा लुक, बहुत ही नॉर्मल सा लुक रखते हैं। लेकिन मैंने मेकअप लुक सूट किया था तो थोड़ा सा एक स्मच आई मेकअप कर दिया है, ताकि अगर आप लोग साड़ी वगैरह बहुत कोई साड़ी वाड़ी भी वेयर करते हैं तो अगर वेयर कर रहे हैं तो इस टाइप का एक आई थोड़ा सा आई लुक दे सकते हो आप लोग, कि थोड़ा सा प्यारा लगेगा। तो हर कोई अपने अकॉर्डिंग होता है रेडी, मैंने जैसे अपना बताया। तो चलो मेकअप करते करते बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कर लिया था फेस को क्लीन, देन उसके बाद मैंने लगा रही हूँ रोज़ वाटर। तो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही सटल सा प्यारा सा मैं बस लुक बताऊंगी। आजकल मैंने बहुत सारा मैं लुक डाल रही हूँ और अभी डालूंगी, जैसे जैसे टाइम मुझे मिलता है मैं वीडियो शूट करती हूँ, डालती हूँ आप लोग के लिए। तो थोड़ा सा प्यार एंड सपोर्ट दे दो, आप लोग थोड़ा सा शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा दे दो अपना प्यार, क्या ही बोलूँ मैं। बाकी आप लोग का जैसा मन, आप लोग कमेंट भी तो करके कम से कम बताओ कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो बाकी ठीक है, चलो। तो आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेस को क्लीन कर लिया था, देन उसके बाद टोनिंग किया, देन उसके बाद मैं कर रही हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजिंग कर लिया है मैंने नीविया के मॉइस्चराइजर से, देन उसके बाद से मैंने लगाया हुआ था ये प्राइमर जो कि लैक्मे का प्राइमर है। आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि ये सटल मेकअप लुक है, रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक है। तो आप लोग बस CTMP, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, ये तो हर किसी का डेली रूटीन होता है, ये करना ही चाहिए। और उसमें एक सनस्क्रीन ऐड हो जाता है, तो मैंने इसमें सनस्क्रीन ऐड नहीं किया, लेकिन सनस्क्रीन CTMP, क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन, ये हर किसी को डेली अपना स्किन केयर रूटीन में करना चाहिए। इससे आपका फेस अच्छा रहता है, ग्लोइंग रहता है और फेस पे कोई भी ऐसा पिगमेंट या कुछ भी और फेस स्किन ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं, सनबर्न वगैरह नहीं होता है। तो ये हर किसी को करना चाहिए। देन नाइट रूटीन में भी नाइट क्रीम, फेस को क्लीन करो, मॉइस्चराइज करो एंड देन एक नाइट क्रीम लगा कर आप लोग सो सकते हो। तो ये सब डेली स्किन केयर रूटीन है जो कि हर कोई जानते होंगे और हर किसी को करना चाहिए और हर कोई करते भी होंगे। तो जस्ट मैंने वही किया। उसके बाद थोड़ा सा कंसीलिंग कर लिया है मैंने, क्योंकि एक मेकअप लुक डाल रही हूँ तो इसमें तो एक ही बार मैं बैठ जाऊँगी, बैठ के बस एक ही बार एक बस बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगा कर दूँगी। तो वो भी मैंने उस टाइप का भी मैं लुक डालती हूँ, बट इसमें मैंने थोड़ा सा जैसे मेकअप करती हूँ वैसे कर लिया है, क्योंकि रक्षाबंधन है भाई, हर कोई थोड़ा सा रेडी होना चाहता है। तो हम लोग भी रेडी होते हैं, बट मैं अपने पर्सनली सच में बताऊँ तो इतना नहीं, बस नॉर्मल सा। लेकिन इस बार तो मेरे भाई भी नहीं है यहाँ पे, हम और दी दिल्ली हैं और वो घर पे है, तो मेरी बहन सब है, उसको राखी बांधेगी, तो इस बार तो हम लोग किसी को राखी नहीं बांधेंगे। तो बस आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट मैंने कंसीलिंग किया, ये स्विस ब्यूटी का कलर करेक्शन पैलेट है, उसमें से एक बेस लिया, अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद ये मेबेलिन का जो फाउंडेशन है उसको मैं ले रही हूँ, देन उसको पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ एकदम अच्छे से। मेकअप का की होता है ब्लेंडिंग, आप लोग अगर ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे तो ऑफकोर्स आपका मेकअप अच्छा होना ही होना है, अच्छा होगा ही। तो ब्लेंडिंग इज़ द की ऑफ मेकअप। तो मेकअप का सबसे अच्छा, अगर आपको फ्लॉलेस मेकअप चाहिए ना, तो आपको ब्लेंडिंग मैं हमेशा बताती हूँ, आई मेकअप में भी ब्लेंडिंग, फेस बेस में भी ब्लेंडिंग। बेस को आप जितना अच्छे से बनाओगे, आई मेकअप तो मानो जैसे कि आप आई शेडो लगा लोगे, आई लाइनर ये सब कर लेते हैं, लेकिन बेस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करोगे, तो आपका मेकअप केकी होगा, फटेगा और बेस सटल एकदम ग्लोइंग अच्छा
अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको अपने स्किन केयर रूटीन पे अच्छे से ध्यान देना है, देन स्किन प्रिपरेशन का जो स्टेप होता है अच्छे से करना है, देन उसके बाद आप लोगों को जो फाउंडेशन अप्लाई करना है उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का ये ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर है जो कि मैं अप्लाई करती हूँ, बिकॉज ये हर स्किन टोन के लिए जाता है ये पाउडर, क्योंकि इसमें कोई टिंट नहीं होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, बस आपके मेकअप को सेट कर देगा, इसमें कोई टिंट नहीं होते हैं, ये वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर, नेम ही है ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो ऑफकोर्स आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि बस मैंने मेकअप को सेट कर लिया, और थोड़ा सा मैं अपने, क्योंकि भाई वीडियो के लिए मेकअप कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो नोज़ को एक से, आपको पता है कि फेस को मैं कभी ब्रॉन्जिंग कंटूर कुछ नहीं करती हूँ फेस पे, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी एक ओवल शेप में, मतलब ओवल शेप में है फेस, और मतलब एकदम करेक्ट ओवल शेप नहीं बोलूँगी, बट फिर भी मतलब ठीक है, नीड नहीं है कंटूरिंग का या ब्रॉन्जिंग का, मुझे पर्सनली नीड नहीं लगता है क्योंकि और दब जाता है, तो इसलिए मैं चीक पे नहीं करती, थोड़ा सा जॉलाइन पे कर लेती हूँ, और नोज़ को मैं करती हूँ, क्योंकि नोज़ मुझे, और मेरा नोज़ तो थोड़ा सा मतलब साफ है, लेकिन फिर भी मैं नोज़ को साफ करती हूँ ताकि मतलब पिक में अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना रही हूँ तो फोटो क्लिक करना होगा, तो इसलिए थोड़ा सा पिक में अच्छा है, इसलिए मैं नोज़ को कर लेती हूँ। देन उसके बाद आप लोग देख सकते हो नोज़ कर लिया, उसके बाद मैंने बस ब्लशर लगा लिया, एक पीची पिंक सा शेड ब्लशर अप्लाई किया हुआ है, फटाफट मैं कर रही हूँ, मैं तो बात करते करते रह जा रही हूँ लेकिन इसमें फटाफट कर रही हूँ। उसके बाद एक पिंक कलर का मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है, जस्ट कुछ नहीं, बस सटल एक पिंक कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैंने आईब्रोज को मैं थोड़ा सा सेट कर ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हो, और इसमें मैं वीडियो भी, आप लोग ना anisha.makeover मेरा इंस्टाग्राम चैनल है anisha.makeover, तो प्लीज़ उसको आप लोग उस पर जाओ, और मैं बहुत अच्छा अच्छा रील्स बना रही हूँ। तो मेरा पहले चैनल था ना अनीसा मेकओवर्स एजी करके, तो उस पर ना कुछ इशू आ गए थे, इसमें भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि फॉलोअर मुझे मतलब जैसे कोई फॉलो कर रहा है ना तो मेरे पे आ रहा है कि फॉलोअर बढ़ रहा है, लेकिन उस पर दिख नहीं रहा, उसका जो जहाँ पे दिखता है ना फॉलोअर की बढ़ा हुआ कितना फॉलोअर है, तो वो बस रुक गया, दिख नहीं रहा, तो वो मैंने बस बहुत सारा देखा वीडियो, बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा, तो बोल रहा है ना कि कोई कोई बोल रहा है कि इंस्टाग्राम का भी अपडेट, अगर जब तक इंस्टाग्राम का अपडेट आ रहा है तो इंस्टाग्राम को अपडेट कर लें, देन अगर अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद से वो खुद इंक्रीज दिखेगा, अगर नहीं दिखा तो फिर उसके बाद से मैं देखती हूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ इंस्टाग्राम अपडेट का, क्योंकि अभी अपडेट नहीं आया हुआ है, तो इस पर भी ऐसे। और पिछले वाले पे मैं कितना भी वीडियो, मैंने बहुत सारा मतलब स्टार्टिंग से जो जीरो से मैंने सीखा था ना मेकअप लुक, वो मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वो रुक गया था फॉलोअर, मैं कितना भी डालती थी वीडियो, कोई फॉलो करता भी था ना तो शो नहीं करता था, पता नहीं क्या इशू आ रहा था, तो इसलिए मैंने नया चैनल बनाया हुआ है anisha.makeover, उस पर मैं रील्स तभी डालती हूँ, तो आप लोग फॉलो करना, कितना मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि आई मेकअप में मैंने बताया है कि मैं थोड़ा सा आई मेकअप कर लिया है, सटल सा लुक किया है, आप लोग अगर साड़ी वियर करोगे या थोड़ा सा आप लोग ऐसा लुक देना चाहोगे तो रक्षाबंधन में आप लोग ऐसा लुक दे सकते हो। तो जस्ट मैंने एक सिमर सा पिंक शेड था उसको पूरे आई लिड पर अप्लाई करा, थोड़ा सा आईज़ को देप दे के लाइक कंटूर करके उसके बाद पूरे आईज़ पे उसको अप्लाई करा। देन उसके बाद मैंने स्मच आईलाइनर अप्लाई किया है, स्मच आईलाइनर ना बिगनर्स के लिए बेस्ट है, अभी के टाइम में स्मच आईलाइनर बहुत चल रहा है, आप लोग देखते होंगे कि जितने भी सेलिब्रिटी का मेकअप होता है तो उन लोग कभी भी हार्श आईलाइनर अप्लाई नहीं करते, वो एकदम स्मच आईलाइनर अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, और मतलब इजी टू वे मैं बताऊँ ना, तो अगर जिनको वैसे होता था ना विंग आईलाइनर ड्रॉ करने में बिगनर्स को प्रॉब्लम होते हैं, उनसे नहीं ड्रॉ होते हैं, तो आप लोग स्मच आईलाइनर ड्रॉ करोगे बहुत ही इजी, आप लोग जैसे काजल भी लो ना एक पतले वाले ब्रश में, जस्ट लेके आईलाइनर एक लाइंस खींच दो, देन उसको एक फ्लॉपी ब्रश से ब्लेंड कर दो, बस आपका स्मच आईलाइनर बहुत प्यारा हो जाएगा। तो ये अभी एक ट्रेंड चल रहा है और प्यारा भी लग रहा है बहुत अच्छा, हर सेलिब्रिटी इस टाइप का आई मेकअप करते हैं एकदम स्मच, क्योंकि हार से पहले में चलता था, अभी भी चलता है विंग आईलाइनर ये सब अभी भी चलता है, लेकिन स्मच आईलाइनर का भी एक नया ट्रेंड आया हुआ है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छे से अभी तो ज़्यादातर स्मच आईलाइनर ही चल रहे हैं।
तो मैंने जस्ट वही थोड़ा सा अप्लाई किया, क्योंकि रक्षा मैंने ये सोच के अप्लाई ये इस मेकअप में किया है ना, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ऑफकोर्स हर कोई जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं, जल्दी जल्दी मेकअप करते हैं। तो ये एक आपको मैंने टिप्स दिया हुआ है कि आप लोग स्मच आई लाइनर कर सकते हो, जो कि बहुत ही सटल लगेगा, एलिगेंट लगेगा, एस्थेटिक बहुत ही प्यारा लगेगा, और आपका आई लाइनर भी हो जाएगा, और उतना जल्दी जल्दी में विंग्स निकालना अगर कहीं ख़राब हो गया तो फिर से पोंछना, रिमूव करना, फिर से लगाना। तो आप लोग के लिए मैंने एक इजी सा ट्रिक बता दिया है, तो आप लोग रक्षाबंधन के दिन ये ट्राई कर सकते हो एक स्मच आई लाइनर देके, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से नीचे मैंने काजल ड्रॉ किया, काजल के नीचे भी मैंने जैसे उसको स्मच कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने बस उसके बाद मैंने बस अप्लाई किया है मस्कारा, और फॉल्स रेसर वगैरह तो अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बहुत कम फॉल्स रेसर अप्लाई करती हूँ, लेकिन बोल्ड वैसा कोई लुक देती हूँ तो उस पर अप्लाई करती हूँ मैं फॉल्स रेसर। तो आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद मतलब प्यारा लग रहा है ना आई मेकअप, प्यार मुझे तो प्यारा लग रहा है। मैंने बस एक पिंक कलर का कुर्ती वेयर किया हुआ है, जस्ट आप लोग जिस टाइप का ड्रेस वेयर करो उस टाइप का थोड़ा सा एक सिमर पिगमेंट दे सकते हो, और ये एक आई लाइनर देन काजल आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो प्यारा लगेगा ऐसे, बहुत सटल सा एक एस्थेटिक सा लुक आएगा, तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद मैंने जस्ट फेस को हाईलाइट भी मैंने कर लिया है। मैं इतना मतलब बात करने में रह जा रही हूँ, मेकअप तो बता ही नहीं। तो मैंने जस्ट फेस को हाईलाइट करा है, आप लोग देख सकते हो, जस्ट हाईलाइटर मैंने जो भी हमारे फेस पे हाईलाइट एरिया होता है लाइक मैं अब भी कर रही हूँ, सॉरी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कभी कभी मैं इधर फ़ोन ऐसे घुमा दे रही हूँ तो मैंने नोटिस नहीं किया। तो अभी मैं कर रही हूँ हाईलाइट, तो उसके लिए जो भी हमारे फेस पे हाईलाइट एरिया होता है लाइक अ चिक बोन, सेंटर ऑफ द नोज का जो ब्रिज होता है उस पे, और सेंटर ऑफ द फॉरहेड, लिप के पास, अपर लिप के पास, तो आप लोग देख सकते हो। उसके बाद से चीक पे अच्छे से अप्लाई करना, तो उसका ब्राउ बोन भी होता है, इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट होते हैं, तो आप लोग जो भी हमारे फेस पे हाईलाइट एरिया होता है उस पर आप लोग अच्छे से हाईलाइट कर लो, देन उसके बाद लास्ट मेकअप को फिक्स कर लो। तो ये रहा, उसके बाद जस्ट मैंने एक ईयरिंग्स वेयर किया हुआ है, आप लोग अपने हिसाब से ज्वेलरी ड्रेस वेयर कर सकते हो, और एक सटल सा प्यारा सा इस टाइप का आई मेकअप, किसी भी कलर का आप लोग ड्रेस वेयर करो, इस टाइप का एक स्मच आई मेकअप आप लोग दे सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। जस्ट मैंने पिंक सिमर सा एक आई शेडो दिया हुआ है, आप लोग जो जिस टाइप का ड्रेस वेयर कर रहे हो एक पीच गोल्डन पीच सा सेट दे सकते हो, हर ड्रेस पे चलेगा। तो वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और ये मैंने अभी जो ट्रेंड अभी एक इंस्टा पे हैक चल रहा था ना, और पॉलीथीन में वाटर डाल के और उससे एक स्टिकर बनाना, फेस पेंटिंग बनाना, तो वो मैंने किया हुआ था, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये सटल सा प्यारा सा लुक कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, लव यू, टेक केयर। और आप लोग ज़रूर बताना कि ये लुक कैसा लगा, और आप लोग ना ज़रूर रक्षाबंधन के दिन ये लुक ट्राई करना और कमेंट करना। तो ओके जी, चलो, बाय, लव यू, टेक केयर। और आप लोग वेट करना, मैं और अच्छा से अच्छा लुक लाने का ट्राई कर रही हूँ, और अच्छा से अच्छा वीडियो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं अब वीडियो शूट कर रही हूँ। कॉलेज में तो बिल्कुल भी मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं हर कुछ को मैनेज करके चल रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप लोग को देख दे रही हूँ, अच्छा अच्छा कंटेंट अब लाऊँगी। तो आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो यार, क्या ही जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग किस टाइप का